हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से मिल्क पाउडर की मिठाई, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और एक बार इस मिठाई को आप खा लोगे तो आप हलवाई की दुकान से मिठाई लाना बिल्कुल भूल जाओगे और घर पे ही आप ये मिठाई बनाकर खाओगे। तो सबसे पहले मैंने अपने इंडेक्स पर कढ़ाई रख दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। ये मैंने होममेड घी लिया हुआ है। आप चाहो तो क्रीम का घी भी यूज़ कर सकते हो या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, उससे भी आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो देखिए, अब मैं अपने इंडेक्स को चला देती हूँ और इसे अपनी कढ़ाई में चारों तरफ फैला लेती हूँ ताकि हमारा जो मिल्क पाउडर है और दूध है वो इसमें चिपके नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास दूध। तो देखिए, मैंने ये हाफ ग्लास दूध लिया हुआ है, इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने इसमें से मलाई निकाल ली थी। आपको ये बॉइल्ड दूध लेना है। तो देखिए, अब हम अपने दूध को थोड़ा बॉईल होने देते। अब हम धीरे धीरे एक एक चम्मच करके अपना मिल्क पाउडर अपने दूध में डाल लेंगे। तो धीरे धीरे करके मैंने सारा मिल्क पाउडर अपनी कढ़ाई में डाल दिया है। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ, उसे मैं थोड़ी देर में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे इस तरह हिलाती रहूंगी। आपको इसे तब तक हिलाना है जब तक यह लम्स खत्म ना हो जाए। और अब मैं जो थोड़ा सा मिल्क पाउडर बचा हुआ था वो भी इसमें डाल देती हूँ। सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल के अपनी कढ़ाई में अब इसे इसी तरह हिलाती रहूंगी जब तक यह बिल्कुल मिठाई जैसी कंडीशन में नहीं आ जाता। दूध और मिल्क पाउडर बिल्कुल मिठाई जैसी कंडीशन में आ चुका है। आपको इसमें इसे बनाते हुए 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब तक आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितनी दानेदार और कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल डोडा बर्फी जैसी। इसमें बिल्कुल दाना दाना अलग दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी क्योंकि हमें ये दाना भी ख़त्म करना है। तो देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा डो बनकर तैयार हो चुका है इसका। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने इस तरह की ट्रे ले रखी है। अगर आपके पास प्लेट हो या थाली हो आप उसमें भी इसे डाल सकते हो। तो देखिए, अब मैं अपना जो मिठाई का जो डो बनाया है वो इसमें डाल लेती हूँ और धीरे धीरे इसे प्रेस कर लेती हूँ ताकि ऊपर की तरफ से यह काफ़ी चिकना बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपनी ट्रे में सभी मिठाई का डो डाल दिया है और वो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, ऊपर से मैंने इसे प्रेस करके प्लान कर दिया है। तो देखिए, मैं इस पर सिल्वर फॉइल लगा रही हूँ। यह दिखने में काफ़ी अच्छी दिखेगी और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे लगा लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस पर चारों तरफ सिल्वर फॉइल लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसे 10 से 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये हमारा डो थोड़ा टाइट हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। हमारी मिठाई कटने की स्टेज पर आ गई है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं इस पर थोड़ा सा गार्निश के लिए पिस्ता डाल देती हूँ। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर पिस्ता डाल दिया है। ये दिखने में काफ़ी अच्छी दिखेगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी मिठाइयों में पिस्ता डाल देती हूँ और इसे अच्छे से प्रेस कर देती हूँ ताकि हमारी मिठाइयों पर पिस्ता अच्छे से चिपक जाए। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी धीरे धीरे। आपको बड़े ध्यान से काटना है क्योंकि बीच बीच में पिस्ता आएगा तो हमारी शेप थोड़ी बिगड़ेगी। तो धीरे धीरे मैं एक एक करके अपनी मिठाई इस प्रकार निकाल लूंगी इसमें से। देखिए, हमारी मिठाई कितनी अच्छी दिख रही है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी हुई है। तो चाकू की सहायता से मैंने सभी मिठाइयाँ अपनी एक प्लेट में डाल ली है। देखिए, अब हम इसके गार्निश के लिए इसके ऊपर लगाएंगे बादाम। तो देखिए, हम हर एक बर्फी पर एक एक बादाम का पीसेस लगा देते हैं ताकि ये दिखने में और भी अच्छी दिखे और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।